सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा इस जीवन और जगत को सुंदर बनाने का जो उपदेश दिया है कल्याणी वेदवाणी ने, उसको हम आत्मसात करें। मनसा वाचा कर्मणा अपने जीवन में इसको धारण करने का प्रयास करें। आज हम दूसरे मंडल के चौथे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जो हमको पवित्रता से व्रतपूर्वक जीवन जीने का उपदेश देता है। वेद मंत्र पहले मैं लिख देता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ इसकी। ओम साकम ही शुचिना शुचि साकम ही शुचिना शुचि ही प्रशास्ता क्रतुना जनी। प्रशास्ता कृतुना जनी विद्वां अस्य व्रता ध्रुवा अस्य व्रता ध्रुवा वया।
इवानुरोहते। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के पांचवें सूक्त का चौथा मंत्र है यह। ओम साकम ही शुचिना शुचि ही प्रशास्ता क्रतुना जनी विद्वा अस्य व्रता ध्रुवा उवया इवानु रोहते। ओम साकम ही शुचिना शुचि ही प्रशास्ता कृतुना जनी विद्वास्य व्रता ध्रुवा वया इवानुरोहते। ओम साकम ही शुचिना शुचि ही प्रशास्ता कृतुना जनी विद्वास्य व्रता ध्रुवा वया इवानुरोहते। वेद मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास कर रहे हैं हम। बहुत ही सुंदर बात कही है, वे प्रभु शुचि ही पूर्ण पवित्र हैं, शुचिता से परिपूर्ण हैं, प्रशासता सारे ब्रह्मांड के प्रशासक हैं, संसार का जो भी क्रम चल रहा है, जो भी जड़ चेतन का हम स्वरूप देख रहे हैं, उन सभी स्वरूपों में परमात्मा की ही सत्ता व्यवस्था हमको दिखाई पड़ रही है। दृश्यमान जगत में, अदृश्यमान जगत में, प्रत्यक्ष परोक्ष जो कुछ भी है, उस परमात्मा की ही विशेष कृपा और विशेष उसके ही व्यवस्था में सब चल रहा है। और कहा है कि हृदयस्थ रूपेण अजनी प्रादुर्भाव होते हैं, जनी प्रादुर्भूत प्रादुर्भावे। यदि हम अहंकार शून्य होकर के यज्ञ आदि कर्मों में लगे रहें तभी प्रभु का दर्शन कर पाते हैं। ऐसे यज्ञ यज्ञो वै दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, हमारे जीवनों को पवित्र करते हैं और शुचि बनने पर ही शुचि प्रभु का दर्शन होता है। कहने का आशय क्या है? जब हमारे अंदर शुचिता का भाव आएगा, हमारे अंदर पवित्रता का भाव आएगा, तो उस पवित्रतम परमात्मा का हमको दर्शन होता है, उसका अनुभव होता है। जब तक हमारे मन में अनेक प्रकार के क्लेश तमस भरे रहेंगे, जब तक अज्ञान अंधकार अविवेक हमारे अंदर विद्यमान रहेगा, अपवित्रता अशुचिता जब तक रहेगी, तब तक हमको प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता है। तब तक हमारे इन भावों में वह जो दिव्य भाव होना चाहिए वह नहीं आ पाएगा। अतः हम ईश्वर की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें, क्योंकि एक मिट्टी के कण से लेकर के पहाड़ तक, तिल से लेकर के ताड़ तक, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, उसी की व्यवस्था में सब चल रहे हैं। अतः हम अपने जीवन को भी सुंदरतम बना करके इस जीवन को उस प्रभु के समर्पित करके सुंदर पवित्र होकर के उसका अनुभव करें, क्योंकि वही अंदर बाहर इस सारे संसार में है। वह कणकण में जो रम रहा है वही सबका तिलेषु तैलम कहा है। दधनीव सर्पी कहा कि वह जैसे तिलों में तेल है,
जैसे दधि में घी है, दूध में घृत है, जैसे वैसे सारे संसार में विद्यमान है। हम उसको जानें, समझें और उसकी शक्ति का अनुभव करें, तब हमारे अंदर भी शक्ति का, संपन्नता का, पूर्णता का भाव स्थिर रह सकता है। और अहंकार यदि है तब तो बहुत ही पुरुषार्थ करने पर भी पूर्ण रूप से सफलता हमको नहीं मिलती है। हम सफल हों निष्फल न हों, उसके लिए सदा सर्वदा इस कार्य को करने का प्रयत्न करें। और अगली बात क्या कही है कि अस्ते इस पवित्र प्रभु के ध्रुवा व्रता, ध्रुव जो व्रत हैं, ध्रुव व्रतों को विद्वान जानता हुआ पुरुष उन व्रतों के अनुसार अपने व्रतों को बनाता हुआ ऊंचा और ऊंचा उठता चला जाता है। प्रभु का नियम अटल है, उसका जो विधान है वो अटल है, कभी भी टल नहीं सकता है। कभी भी वह अपने बनाए हुए नियमों को स्वयं भी नहीं तोड़ सकता और दूसरों के तोड़ने पर भी उनको दंड मिलता है। दूसरे जब उस मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, अमर्यादित, असंयमित, अव्यवस्थित दिनचर्या, अव्यवस्थित दिन अपना जो है सारा व्यवहार करते हैं, तो उनको भी वह दंड देता है। चेतन ही नहीं, जड़ भी उसकी सत्ता और उसकी व्यवस्था, उसके द्वारा बनाए गए नियमों का कभी उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में जैसे व्रत को पालते हैं तो हमारे अंदर भी दृढ़ता आती है। जैसे प्रभु व्रती हैं, संकल्प से ही अपने वह सारा संसार रचता है और उस संसार के रचनाकार प्रभु का दर्शन हमको अपनी दृढ़ता से, अपने पुरुषार्थ से, व्रतों के पालन से, विद्या और ज्ञान पूर्वक जीवन जीने से वह अनुभव होता है। विद्वान जो जानता हुआ है तथा उसी प्रकार इव जैसे एक वृक्ष पर वया आरोहण करने वाला अनुरोहते निचली शाखा से ऊपरली शाखा पर चढ़ता हुआ चला जाता है, यह पवित्र यज्ञीय जीवन जीने वाला व्यक्ति प्रभु के व्रतों के अनुसार अपने व्रतों को बनाता हुआ इस संसार वृक्ष की सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है, सर्वोत्कृष्ट शाखा पर पहुंच जाता है। हम छोटे छोटे व्रतों से, छोटे छोटे उपायों से, छोटे छोटे संकल्पों से आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये छोटे छोटे अणु व्रत जिनको कहते हैं, और क्षण क्षण हम अपने व्रतों को दोहराते रहें। एक क्षण का व्रत रखें, एक मिनट का व्रत रखें, एक आधे घंटे का, एक घंटे का, एक दिन का व्रत रखें, तो ये जो अणु व्रत हैं, इन अणु व्रतों को जब हम जोड़ते जोड़ते चले जाते हैं तो बहुत दीर्घ व्रत हो जाता है, अर्थात हमारा व्यक्तित्व और कृतित्व महान हो जाता है। हम उस भगवान के द्वारा दिए गए सामान का, अर्थात ये सारा जीवन, ये सारा शरीर और ये सारा संसार उस भगवान का दिया हुआ सामान ही है, इसको पाकर के अभिमान नहीं करना अपितु उस भगवान का सम्मान करना, और इसको पाकर के ज्ञान पूर्वक जो इसको बढ़ाता है, ज्ञान का आधान जिसके अंदर है, वही इस भगवान के द्वारा दिए गए सामान का सदुपयोग करता है। यूँ तो सामान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं। जीवन हमारा 100 वर्ष तक के लिए है, लेकिन कब किसका समय आ जाए कोई नहीं जानता है। अतः हम प्रभु के द्वारा दिए गए ज्ञान विज्ञान को धारण करें। प्रभु जिस प्रकार से व्रती है, प्रभु जिस प्रकार से संकल्प लेकर के संसार को बनाता है, यज्ञ कर्म उसका है और वह पवित्रतम है, दूसरों को पवित्र करने वाला है, तो हम भी पवित्र यज्ञों के द्वारा पवित्र प्रभु का उपासन करें, प्रभु के अनुरूप अपने व्रतों को बनाएं। देवो भूत्वा यजे देवम, कहा कि देवता बनकर के देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जो दैत्य बनकर के, स्वार्थी बनकर के, काम क्रोध लोभ से युक्त होकर के जो उसकी पूजा करते हैं, वह कभी भी सात्विक पूजा नहीं होती, कभी भी सात्विक
विचार नहीं हो सकते हैं, उनके अंदर अनेक प्रकार की त्रुटियां होती हैं, अनेक प्रकार से दुख हमको मिलते हैं ऐसे कार्यों को करने से जहां पर अपवित्रता है, अशुचिता है। पवित्र हम रहें, सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। करूं तेरा वंदन, करूं तुझको वंदन, ये मेरा जीवन बन जाए चंदन। शीतलता मेरे अंदर हो और ऐसा जो वंदन है, ऐसा जो नमन है, ऐसा जो अभिवादन है, वह मेरे द्वारा लिए गए संकल्प को पूरा करने वाला है। मैं कभी भी इससे भटकूं नहीं, इससे अपने आप को अलग ना करूं। यह जो पवित्र जीवन है अत्यंत महनीय है, अतः यहाँ इस वेद मंत्र के द्वारा हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ओम साकम हि शुचिना शुचि प्रशास्ता कृतुना जनी विद्वा अस्य व्रता ध्रुवा वया इवानो रोहते। वह ध्रुव है, बिल्कुल अटल है, अचल है स्थाणु। हम अपने जीवन में भी अचल अटल बन करके व्रतों का पालन करने वाले बने और न्याय पथ पर चलने वाले बने, दया के पथ पर, करुणा के पथ पर, प्रेम के, सौहार्द के पथ पर चले, परंतु उनमें सब प्रकार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते करते भी अपवित्रता हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। अपवित्रता यदि आती है तो कभी भी हमारा हित नहीं हो सकता है, कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। अपवित्र मन शरीर को भी रोगी करता है और हमारे मन को तो कहना ही क्या, वह भी शांत नहीं रह सकता है। इसलिए शांति के लिए हमको प्रभु की भक्ति का प्रसाद यदि मिल जाता है तो बहुत सुंदर हो जाता है। आत्म तत्व की ओर, इसीलिए अगला जो वेद मंत्र है जिसमें प्रभु के अनुरूप होते हैं जो कि आवायु गतिशील होते हैं, तो यहाँ पर कहा है कि जो इसका पांचवा मंत्र है, ओम तास्य वर्णमायु नेष्टु सचंत धेनवः कुवित्ति सिभ्या आवरम स्वसारो या इदम ययुः। कहा कि ताहवे आयुवः एति इति गतिशील धेनवः, धेनु जो सोम शक्ति को अपने अंदर सिक्त करने वाले लोग, अस्य निष्ठु हो इस ब्रह्मांड के नायक प्रभु के वर्णम रूप को सचंता सेवन करते हैं, अपने साथ समवेत करते हैं, ये प्रभु के अनुरूप रूप वाले होते हैं। वे जो लोग या जो स्वसारा स्वम सरंती आत्मा की ओर गति वाले होते हैं, तिस्रिभ्यः जो ऋग यजु साम तीन वाणियों से कुवित खूब ही इदम इस वरम उत्कृष्ट जान को आ ययुः प्राप्त होते हैं। जान प्राप्त करके ही तो हम प्रभु के अनुरूप बनते हैं, बिना जान के संसार में कोई भी व्यक्ति महान कार्य नहीं कर सकता है। जान का तात्पर्य यह है कि जिस जीवन में पवित्रता है, शुचिता है, जिस जीवन में निर्लेप, निर्द्वेष, निरअहंकार, निर्द्वंद्व जो भावना है, वह भावना हमको सदा उत्साह देती है। और उत्साह पूर्वक जो व्यक्ति जीता है वह कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में हताश निराश नहीं होता है। वह जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जो विकट संकट हैं, उनको भी पार कर जाता है, क्योंकि जो यजु ऋग यजु साम आदि जो तीन वाणियां हैं उनको खूब अपने जीवन में उतारता है। मनसा वाचा कर्मणा उनका व्यवहार अत्यधिक सुंदर हो जाता है, क्योंकि प्रभु की शक्ति के द्वारा अस्य नेष्टु कहा इस मंत्र में कि इस ब्रह्मांड के नायक प्रभु के वर्णम रूप को सचंता सेवन करते हैं।
हम प्रभु के रूप का सेवन करें, अर्थात प्रभु सत्य स्वरूप है, प्रभु प्रेम स्वरूप है, प्रभु ज्ञान स्वरूप है, प्रभु बल स्वरूप है, प्रभु आत्म बल का देने वाला या आत्मदा बलदा, यस्य विश्व उपासते, ऐसी जो भावना है, तो ऐसी भावना की मनोकामना हमको सबको होनी चाहिए। और हम प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग का सदा सर्वदा आलंबन लेते हुए आगे बढ़ते जाए, यही ज्ञान यही विवेक हमको प्रेरणा देता है कि हम जीवन को कैसे जिएं और किस परिस्थिति में हमको सावधान सतर्क होकर के जीवन के आरोग्यता के लिए और इस जगत की आरोग्यता के लिए जो भी मिला है शरीर के रूप में संसार के रूप में, तो इसका हम कल्याण करें, कभी भी अकल्याण ना हो, इसके लिए हमको प्रभु के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। जैसा वेद का आदेश है, संकेत है, उपदेश है, वैसा जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु तो सबकी रक्षा करने वाले हैं, प्रभु की शरणागति हम प्राप्त करें। और ऐसा यदि हम करते हैं तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है सत्संग के द्वारा। रोज थोड़ा थोड़ा करें कि जितना भी समय मिले हम वेद स्वाध्याय करें, वेद स्वाध्याय के साथ साथ उस पर चिंतन करें, उसके अर्थ पर चिंतन करें और उसको स्वभाव में उतारने का प्रयास करेंगे तो ये जीवन बहुत सुंदर होता है। थोड़ा थोड़ा भी हम करते हैं तो बहुत बड़ा विराट हमारा व्यक्तित्व हो जाता है। कोई भी एक दिन में महान नहीं बनता और कोई भी एक दिन में शैतान नहीं बनता, धीरे धीरे उसके अंदर वो प्रोसेस चलता रहता है, वातावरण उसको मिलता रहता है और उस वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, संघ का प्रभाव पड़ता है, कुसंग का या सत्संग का, दोनों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम सदा सर्वदा अच्छे लोगों की संगति में रह करके प्रभु की भक्ति किया करें, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, क्रोध खुद काया में दफन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, जग के अंधेरों से बाहर निकल कर ऐ बंदे तू हरि भक्ति में चल कर, क्रोध खुद काया में दफन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। ये जो संग है ये थोड़ा थोड़ा संग ही हमारे जीवन का परिष्कार करने वाला है, इसलिए कभी भी इससे हम अपना जी ना चुराएं, कभी भी अपने आप को पीछे ना हटाएं तो जीवन बड़ा ही सफल बनेगा। संतों की जग में है ये ही निशानी, सच्चे वचन और मीठी वाणी, क्रोध खुद काया में दफन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, हरि को भजे तो हरिमय हो जाएगा, प्रभु को भजे तो प्रभुमय हो जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, जीवन को अपने चमन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा
हरि का भजन कर ले। ओम शांति शांति शांति।